क्या वजूहत हैं कि 2012 से लेकर 2024 इन 12 सालों में इंडिया अनबीटन है अपने घर पे 4302 दिन से। भारत ने आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला नंबर सिक्योर कर लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब इस मैच के बाद भारत नंबर वन पे है। आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत बावजूद क्या कि विराट कोहली की फॉर्म गुजरते अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मर्तबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मर्तबा। तो 12 साल हो गए उनको हारे हुए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम वहां से रोते हुए निकले, तो तुम कौन सी खेत की मोली हो। इसमें 3 मुख्तलिफ एरा गुजरे हैं, मुख्तलिफ बीसीसीआई के सेटअप्स बदले हैं, मुख्तलिफ बीसीसीआई के चेयरमैन बदले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से, मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसने जेलस होना है और जितना जेलस होना है आप हो जाएं। रोहित शर्मा अभी तक देखा जाए तो एज अ कप्तान सिवाय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इसके अलावा कोई सीरीज नहीं हारे, चाहे वो अवे हो चाहे वो जिसको कहते हैं ना इंडिया के अंदर हो, ये बंदा कोई सीरीज हारा नहीं और हारता नजर भी नहीं आ रहा, स्पेशली इंडिया। तो वो आ चुका है कि पाकिस्तान से आगे जिम्बाब्वे की टीम भी निकल चुकी है, जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है और ये कंपैरिजन अपना इंडिया के साथ कर रहे होते थे। भाई एक पाकिस्तान के हर एशियन कंट्री अपने मुल्कों के अंदर जीत रही है और हम यहाँ पे तमाशे कर रहे हैं चैंपियंस कप करवा के, हम यहाँ पे लोगों को जिसको कहते हैं ना आंखों पे वो पाउडर फेंक रहे हैं कि इनको इंडिया जो है वो 4302 दिन हो चुके हैं, इंडिया को कोई टीम इंडिया के घर में जो है सीरीज नहीं हरा सकी है, टेस्ट सीरीज टीम इंडिया से जीतना चाहते हैं, बी या टेस्ट मैच, बी या ओडीआई, बी या टी20, तो इसमें ना 2 चीजें हैं, एक तो आप अपनी ए क्लास गेम शो करें, एक मतलब एक क्लास से भी ऊपर गेम शो करें या बुरा खेले तो आपका चांस बनता है कि आप इंडिया में कोई मैच जीत सकें। रोहित शर्मा की थी, उन्होंने बोला मुझे ऐसी टीम मैं बिल्ड कर रहा हूं और हम पिछले चंद वर्षों से ऐसी टीम बन चुके हैं जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी सिचुएशन से पलट कर वार कर पाते हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट के हवाले से कहा कि हम अब ऐसी टीम बन चुके हैं जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बाहर जाकर भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। 10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले ना अपने घर में। टीम इंडिया, टीम इंडिया, टीम इंडिया, वो टीम जो 12 साल से अपने देश पे कोई टेस्ट सीरीज नहीं आई, वो टीम जो करंट T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन है, वो टीम जिसने 2023 में ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, वो टीम जो लगातार 2 दफ़ा WTC के फाइनल खेल चुकी है, कोई तो बात होगी ना उस टीम में कि उसने इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया। टीम इंडिया के रिकॉर्ड की बात करूँ तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा मगर वीडियो कम पड़ जाएगी कि टीम इंडिया के कितने रिकॉर्ड मैं आपको याद करवाऊँ। मोस्ट सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड हो, मोस्ट रन्स बनाने का रिकॉर्ड हो, ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीतने का रिकॉर्ड हो, टीम इंडिया आपको फाइटिंग स्पिरिट करती हुई नज़र आएगी। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के टेस्ट रिकॉर्ड की जो उन्होंने बनाया कि वो लगातार 12 साल से कोई भी टेस्ट सीरीज अपने होम ग्राउंड पर नहीं हारे, यानी कोई भी टीम इंडिया में आकर इंडिया को सीरीज में शिकस्त नहीं दे पाई। उसे पाकिस्तान टीम की बात करें तो लगातार उनको बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया, उससे पहले न्यूजीलैंड ने सीरीज बराबर की, उससे पहले इंग्लैंड उनको क्लीन स्वीप करके गया, ऑस्ट्रेलिया उनको क्लीन स्वीप करके गया और लगातार ऐसी बेशुमार टीमें आई जो उनको क्लीन स्वीप करके चली गई। अब आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन बेहतर है, पाकिस्तान बेहतर है या टीम इंडिया बेहतर है, क्योंकि आप लोग कंपैरिजन तो करते हैं कि टीम इंडिया में पाकिस्तान के बैट्समैनों का, विराट कोहली का कंपैरिजन किसके साथ शुरू करते हैं, लेकिन आप ये गौर नहीं करते कि उन्होंने क्या कुछ अचीव कर लिया। विराट कोहली एक बहुत बड़ा स्टार बन चुके हैं, ब्रांड वैल्यू उनकी आप देखें तो पाकिस्तान टीम से ज़्यादा। बाकी मजीद अभी आप कुछ सुने पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, हमने कुछ वीडियोज़ क्लिप आपके लिए जोड़ जोड़ के इकट्ठे किए हैं, तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी आप वीडियो सुने, आगे इंजॉय करें। कम समझा उसको, साइड में किया, नए को लेकर आए, 3 डिफरेंट कोचेस, 3 डिफरेंट माइंडसेट, बीच में अनिल कुंबले कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन टीम पे कोई असर नहीं पड़ा, टीम नहीं हारी, टीम अपनी जगह पे अपनी होम डोमिनेशन को अचीव करती गई और टेक्निकलिटीज भी काम करती गई। आज अगर इंडिया एसजी का बॉल इस्तेमाल करता है अपने घर के ऊपर तो उसके पीछे साइंस है, यही जो आज आप देख रहे थे, इसी की जगह कोकाबुरा का बॉल होता तो शायद कल जितनी स्पंजी विकेट हो चुकी थी वहां बांग्लादेश ने जिस तरह स्टार्ट किया तो उससे ज्यादा उसको और पेनेट्रेशन मिलती, बिकॉज जहां आप अपने घर पे डोमिनेट करते हो वहां आप अपनी क्रिकेट को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो, अपनी आइडेंटिटी को कार्व आउट करके खेलते हो। जैसे बहुत सारे लोग शायद ना समझ सके मेरी पिछली वीडियो में पॉइंट, मैंने यही बात की थी कि भाई साहब एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड किया गौतम गंभीर ने, इंडिया अपने घर में स्पिन विकेट्स बनाता है क्योंकि हर घर का, हर टेस्ट नेशन के अपने घर का एक आइडेंटिटी होती है। ऑस्ट्रेलिया जाओगे आपको पता है पेस एंड बाउंस है, इंग्लैंड जाओगे आपको पता है सीम एंड स्विंग है, क्लाउड कवर्स है, आप इंडिया होगे आपको पता है स्पिन है,
अब एक नई डायरेक्शन दे दी, अब टीमें क्या करती थी कि स्पिन के लिए पहले से तैयारी। सीरीज हारना वो तो एक अलग बात है, वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान 24 दिनों पहले, और ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि आपके प्लेयर्स को जिम्बाब्वे क्या के बोलते हैं कि यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन बनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिम्बाब्वे भी आपसे आगे है बहुत सारी चीजों में, और शायद जिम्बाब्वे को दोबारा मौका मिले वो आपको दोबारा से हरा ले, जो आपकी हालत है जैसे आप जो बांग्लादेश के सामने बकरी बन गए थे। और आप देखें इंडिया जो है वो 4302 दिन हो चुके हैं, इंडिया को कोई टीम इंडिया के घर में जो है सीरीज नहीं हरा सकी है, टेस्ट सीरीज। और पाकिस्तान की बात करें ना, ये लास्ट जो है वो कुछ सालों में, एक डेढ़ साल में पाकिस्तान जो है दो बार अपने घर में व्हाइट वॉश हो चुका। 12 साल हो गए उनको हारे हुए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम, साउथ अफ्रीका जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम वहां से रोते हुए निकले, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो? इन्होंने समझा था कि भाई झूलेलाल काम है, हम बात करेंगे इंडिया डर जाएगा, उनको क्या पता इंडिया आगे से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंसेज की बात करें, सबसे पहले तो भाई बात आती है अश्विन की, जहाँ पर बल्ले चलते हैं 113 हो जाते हैं, जहाँ पर बॉल चलते हैं 3 विकेट ले ली जाते हैं। जडेजा की बात करते हैं भाई, 2 विकेट निकालते हैं साथ में 86 करते हैं, फिर जयसवाल की बात करेंगे वो 56 करके चले गए। बुमराह की बात करते हैं भाई, बुमराह ने तो मुझे ख्याल में गोल्डन प्लेट के ऊपर उनका नाम लिख देना चाहिए कि पहली विकेट मेरी है। देखें बुमराह की जितनी तारीफ करें वो कम है, उस बंदे के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, खैर वो मेरे लिए स्पीचलेस बंदा है वो, ठीक है उसके लिए जितनी तारीफें करनी है आप अपने समझ ले लोग। लेकिन बात असल में ये है कि देखें अगर रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं चलते तो इंडिया की वो टीम नहीं है कि जो टूट के बैठ जाए, इंडिया की वो टीम है अगर ऊपर से कोई नीचे आउट हो जाता है तो नीचे वाले डबल स्ट्रॉन्ग होके आते हैं और ऐसा कमबैक करके बताते हैं, दुनिया हैरान परेशान होकर जरा जाती है कि भाई कहाँ पे जो है इंडिया पहले 150 के ऊपर 5-6 आउट और कहाँ पे जो है वो 350 स्कोर ले जाना, और आप देखें लास्ट पे आकर 515 स्कोर लगा। अगर फील्डिंग की बात की है तो जयसवाल बड़े चर्चे में, जैसे कैच उन्होंने किया, मतलब वहां पर सूर्य की बात करेंगे भाई, कैच किया और उसके बाद भाई जाकर ट्रॉफी अपने घर ले गए और यहाँ पर टेस्ट मैच अपने नाम करवा लिया। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही हमें पता था कि ये इंडिया का है, ठीक है इसमें तो दो राय थी ही नहीं ना, ये तो बस उनका खुमार निकालना था बांग्लादेश का कि भाई सबर कर जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारी औकात कहाँ पे है, इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देना कोई हालांकि का वाड़ा, बड़ी बड़ी टीमें जो है वो स्टेटमेंट देकर वापस रोक गई हैं। तो भाई इंडिया की अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग तो वैसे ही आउट ऑफ द वर्ल्ड चली गई है ना, उसका तो मुकाबला